अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शॉपिंग हॉल से। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो आपने शॉपिंग की है वो दिखा दें। ऐसे मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ शॉपिंग। मैं लाइट सेट करने लगी थी लेकिन लाइट ही चली गई, तो चलिए मैं आपको वैसे ही शॉपिंग शो करती हूँ अपनी। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। तो सबसे पहले स्टाइलो की बात कर लेते हैं कि स्टाइलो से क्या शॉपिंग की है। तो बस ये ट्राउज़र लिया था जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था। ट्राउज़र कह लें इसको आप, कुछ भी कह लें। मैं ज़रा खोल के दिखाती हूँ और प्राइस वगैरह भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और साइज़ इसका जो है वो मीडियम लिया है और प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन प्राइस जो है इसकी 1500 रुपीज़ है, क्योंकि याद है 3000 पे किया था रिपन अपने कार्ड से, तो इसलिए मुझे याद है इसकी प्राइस। दिखाती हूँ मैं ज़रा आपको खोल के। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे स्टाइल में है। आगे इसकी पॉकेट्स लगी हुई हैं और ये यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। इस तरह से जर्सी का आप इसका कपड़ा कह लें, ठीक है। और नीचे इस तरह से जो है ना, वो नीचे इस तरह से जो है वो चुन्नट कह लें, क्या कह लें, इस तरह से ये पड़ी हुई है। और इस तरह से ये आप टी शर्ट्स के साथ, टॉप्स के साथ, जिसके साथ भी आप इसको कैरी करना चाहें कैरी कर सकते हैं। इसके मैचिंग के कौन सी शर्ट लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वो दाऊद से लिए क्योंकि और हमें कहीं से भी वो मिल रही नहीं थी, तो वो है ये ग्रीन कलर की। हमें रेड कलर की मरून पसंद आई थी लेकिन उसमें जो है वो सेम नहीं था और हम सेम लेना चाह रहे थे एक जैसी, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और मेरे पास ग्रीन कलर की कोई थी ही नहीं, ग्रीन कलर की कोई थी भी नहीं, रेड तो मेरे पास काफ़ी है, ठीक है। ये है ग्रीन और इसका स्टफ़ ना थोड़ा सा मोटा है, लेकिन वही के सर्दियों में जो है वो चल जाएगा, गर्मियों में पहनने वाला नहीं है। लेकिन इस ट्राउज़र का स्टफ़ जो है वो गर्मी सर्दी दोनों के लिए है। तो मैं ज़रा शर्ट को खोल के दिखाती हूँ, शर्ट या टॉप जो भी आप कह लें। कलर और इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर है, वाइट के ऊपर डार्क ग्रीन बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इसके डिटेलिंग का एक स्टड सा दिया हुआ है, मैंने फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाया है क्योंकि लाइट में जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहा। इस टाइप से ये कलर है, अगर लाइट तेज़ कर देंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। इस तरह से ये डार्क ग्रीन और इसके ऊपर वाइट बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और ये जो है ये भी हमें मिला है 1500 का, क्योंकि 3000 के दो मिले हैं हमें। और इसके बाद लिया एक ये बैग जो कि निशात का है और इसकी स्लिप भी शुक्र पड़ी हुई है, वरना मैंने सबकी स्लिप्स घुमा दी हैं। इसकी प्राइस जो है वो 1020 रुपीज़ है, 1020 का पड़ा है ये निशात का। और क्या कहते हैं, इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 2040, तो 50% ऑफ पे मिला है। निशात पे 50% ऑफ था और बैग पे और ज्वेलरी पे काफ़ी अच्छा जो है वो ऑफ लगा हुआ था। बैग मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरह से है, ठीक है। ये बैग भी हम लोगों ने सेम कलर के लिए थे लेकिन अरीबा का ब्लू और वाइट मिला, क्योंकि बिल्कुल वाइट था नहीं। और ये इसके साथ चेन मिली है, आप चाहो तो लॉन्ग चेन के साथ भी कैरी कर सकते हो, चाहो तो आप इस बैग को ऐसे भी खाली भी कैरी कर सकते हो, चाहो तो ये पाउच इंसर्ट करके भी कैरी कर सकते हो। और इस तरह से है ये बहुत ही खूबसूरत और ऐसे भी कैरी कर सकते हो, ठीक हो गया। चाहो तो ये चेन भी अटैच कर लो और ये खाली भी आप कैरी कर सकते हो शादीज़ वगैरह में किसी फैंसी ड्रेस के साथ, तो ये हो गया। और इसके अलावा बच्चा पार्ट से कुछ चीज़ें ली थी वो तो मैंने दे दी हैं। उसके अलावा फॉरर से जो है वो एक ये टी शर्ट ली है, ठीक है। और ये इसकी प्राइस है 1490 रुपीज़ और ये है मोजो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोजो, ठीक हो गया। तो यही थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो मैंने की है, कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो है वो जीन्स चाहिए थी और जो है आउटफिटर से चीज़ें चाहिए थी, लेकिन सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक था। तो बस यही कुछ शॉपिंग की थी, तो बाकी आगे का व्लॉग देखते रहें आप लोग। लेनी आजकल चल रही है 800 रुपये तक की। फाइनल क्या लगेंगे इनके? फाइनल 400 लग जाएंगे, इनके 500 लगेंगे। चलो ठीक, 400 लगेंगे फाइनल। जी फाइनल 400। चलें वो बताएं फिर मैं आती हूँ लेने। चलो ठीक।
अच्छा जी, तो शॉपिंग वगैरह दिखा दी और उसके बाद अभी मैं आई हूँ मार्केट अपनी कज़न के लिए। वॉच ली है मैंने ये, क्योंकि उसकी बर्थडे है आज, तो अभी जो है मैंने सोचा कि कुछ ले लूँ, तो फिर मैंने कहा वॉच ही ले लेती हूँ। परफ्यूम का तो मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आता, तो पैकिंग वगैरह लगा के 500 रुपीज़ की मिल गई थी मुझे, ठीक है। और चाचू के बेटे की जो है वो बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं, गेस करें कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने व्लॉग करने की बहुत ट्राई की कि मैं जो है वो वॉइस ओवर ना ही करना पड़े, लेकिन वही कि जब सब कज़न्स और बच्चे और सब पास हों तो फिर बंदा जो है वो वॉइस ओवर रोकना ही पड़ता है, और अपनी चवलियाँ जो है ना वो बंद करनी पड़ती है। और यहाँ सब चवलियाँ मार रहे थे, और ये मेरा कज़न है, मैं थोड़े सा व्लॉग में लाई तो उसने कहा आई, मैंने कहा जा भाई मैं तुझे व्लॉग में नहीं ले सकती। तो बस अभी हम गाँव आए हैं, और गाँव आके बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मेरे दादा गांव रहते हैं, चाचू भी रहते हैं, तो जो है वो हम लोग आए हैं गांव, और ईद पे गांव बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं साथ साथ व्लॉग कर रही थी, लेकिन फिर जो है वॉइस ओवर नहीं कर पाई, बट चले आए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी, मतलब इतनी बड़ी बर्थडे नहीं, छोटी बर्थडे कर रहे हैं, उसके 3-4 दोस्त हैं और हम सारे कज़न्स लोग हैं, तो बस ऐसे कोई बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं है। तो वही के टेबल को जो है वो थोड़ा बहुत डेकोर कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं बाहर थोड़ा, और यहाँ पे जो है वो धुआं वगैरह किया हुआ, क्योंकि गाँव में मच्छर हो रहे हैं, तो वो फिर भैंस बकरियाँ बैल वगैरह को जो है वो मच्छर वगैरह काटे ना, इस वजह से जो है ना क्या हुआ, बल्कि सब घूम रहे थे। और यहाँ पे जो है वो रिफ़्रेशमेंट थी, पेस्ट्रीज थी, जलेबियाँ थी गरम गरम, जो कि बहुत मज़े की थी, और वो 18 ईयर्स का तकरीबन ही 18 ईयर्स का हो गया था वो, और हम हैरान थे वाकई। और उसके साथ जी थे समोसे गरम गरम, लेकिन मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है, मुझे पेस्ट्रीज भी अच्छी नहीं लगती इतनी, लेकिन जलेबियाँ मुझे पसंद हैं। उसके साथ जो है यहाँ पे चाट वगैरह भी बन गई थी, तो कज़न की हेल्प करवा रही थी, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत व्लॉग भी बना रही थी। मैंने फुल व्लॉग तो नहीं बनाया जैसे बनाते, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है वो मैं पिक करती जा रही थी कि चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो अपने फॉलोअर्स के लिए व्लॉग बना लिया जाए कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। उसके बाद जो है केक कटिंग का टाइम था, तो यहाँ पर मैं और कज़न जो है वो केक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। हम कज़न्स की आपस में बहुत बॉन्डिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छी बनती और जमती है। तो बस यहाँ पे केक जी हमने अनबॉक्स कर लिया था, तो अब हम इसे केक प्लेटर में जो है वो सर्व करते हैं, और फिर जो है वो केक लेके जाते हैं। और मैं यहाँ पे चेक करी थी, आई लव चॉकलेट केक, चोको चिप्स मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा फ़िश भी यहाँ पर फ्राई हो गई थी, समोसे थे, ठीक है, जलेबियाँ, पेस्ट्रीज, ठीक है, थोड़ा बहुत ही वो मतलब रिफ़्रेशमेंट वाला। तो बस अब हम ये सब सेलिब्रेट करेंगे, खा पी के सेलिब्रेशन वगैरह करके हम लोग निकले थोड़ा वॉक पे। गांव में तो किसी भी वक्त वॉक पे निकल जाओ, पूरा गांव ही अपना होता है, तो वही हिसाब है कि थोड़ी देर के लिए जो है वो वॉक पे आए हैं ऐसे ठंडी हवा लेने के लिए, और जो है वो घूमने फिरने के लिए ऐसे। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फूफो की तरफ, तो बस अभी वॉक वगैरह कर ली थी। और गांव में तो मतलब कुछ लोग जाग भी रहे होते हैं, कुछ सो भी रहे होते हैं, ठीक है जी। हाय गाइस, तो आज है क्या, आज है वेनसडे, और आज मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियोस बनाई हैं, पता नहीं व्लॉग पहले आएगा वो दो वीडियोस पहले आएंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग में बता दूं, जो लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे व्लॉग तो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला आई शेड, मैंने उस आई शेड पैलेट के साथ किया जिसका मैंने रिव्यू दिया है, वही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और थोड़ा सा मैंने सोचा व्लॉग में भी आप लोगों को बता दूँ। और अभी वीडियो वगैरह सब बना के अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि आप देखें बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, और शावर लूँगी उसके बाद कुछ खाना पीना करते हैं। जिंगर खाने का मूड हो रहा है, तो जिंगर ऑर्डर करते हैं या देखते हैं जो क्या नीचे बना है क्या नहीं। तो बस अभी मैंने दोनों वीडियोज़ फिल्म की, अब एडिट करूँगी फिर पोस्ट करूँगी, पता नहीं ब्लॉग पर ले जाएगा या वीडियोज़ पहले जाएंगी, तो सोचा ब्लॉग में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। का रिव्यू दिया है, बहुत अच्छी आई शेड पैलेट, और मेरी रिंग कितनी प्यारी लग रही है ना, ये आई शेड पैलेट का रिव्यू दिया है, मैंने सोचा व्लॉग में भी आप लोगों को बता दूं। और
इस वाले सीरम का रिव्यू दिया है जो है ये बायो एक्वा वाला बड़ा ज़बरदस्त सीरम है, इसका भी रिव्यू दिया है। तो व्लॉग क्या लगेगा व्लॉग देख लीजिएगा, इसका वेट करिएगा, अगर वीडियोस पहले आएंगी तो वीडियोस देख लीजिएगा। चलें जी चलते हैं फ्रेश होने। ये बिना लाइट के हल्का फुल्का सा मेकअप है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी टाटा बाय बाय।